हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, अभी मैं इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब आज। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और चाय वगैरह हमने पी ली है। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरी सब्जी भतवे की, सूखी सब्जी मतलब। तो वो बनाने वाली हूँ मैं आज। तो बस अब बना रहे हैं तो मैंने, तो देखिए मैं जा रही हूँ अभी वापस ऊपर, क्योंकि मैं कुछ भूल चुकी थी इसलिए अभी मैं लेके आ रही हूँ। तो देखिए मैं जा रही हूँ वापस, और मम्मी जी ने मुझे बुलाया नीचे, तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि वो किस लिए बुला रहे हैं। तो देखिए इन्होंने लिया है स्वेटर, अभी क्योंकि सर्दी का सीजन चल चुका है तो स्वेटर खरीदा है इन्होंने। और स्वेटर लगभग अच्छा ही लग रहा है वैसे तो। देखिए मम्मी और स्वेटर ले रही थी, मैंने पसंद करवा देती हूँ उनके पसंद का, क्योंकि फिर थोड़ा सा वो मुझसे पूछ के ही तो लेते हैं, क्योंकि तो उन्हें समझ में नहीं आता है इस वजह से। तो देखिए पसंद करवा देते हैं और चल रहे हैं स्वेटर लेने के लिए। ये बोला मैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या डील लग रही है। भतवे को साफ करके और वॉश कर लिया है इसको, और इसको बॉयल करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे चढ़ा दिया है गैस पे। और तो देखिए अभी ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बॉयल होएगा ये कम होता जाएगा। तो अभी मैं इसको बॉईल कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ इस सब्जी को। तो देखिए अब सब्जी बिल्कुल रेडी है, अच्छे से बन चुकी है सब्जी। आप ये देखिए, तो देखिए ये दिवाली के जो मुरमुरे बचे हुए थे इनकी मैंने भेलपूरी बनाई है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है भेलपूरी। और मैंने इसमें बॉयल आलू नहीं डाला है, बस ऐसे ही इसको बना रही हूँ प्याज मटर और ये डाल के, मतलब प्याज हरी मिर्च और टमाटर ये डाल के। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है और अभी मैं इनको मिक्स कर रही हूँ बस, और ये तैयार है। देखिए तो देखिए बच्चे तो यहाँ तैयार नहीं, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं। बहुत टेस्टी बने हैं भेलपूरी, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो देखिए बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, तो अब इनको ये डाल देती हूँ मैं, तो ये खा लेंगे। वाह तो मच्छर देखो, इनके मुंह तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो में आ रही हूँ, तो आप प्लीज सब्सक्राइबर ऐसे मत छोड़ना कि मैं आ रही हूँ, तो इसलिए वीडियो बननी हुई है। तो सुन चुके हो आप इनकी बातें, और मैं फिर बंद हो गया। तो उसे एक सेवन जैसा नहीं बच रहा है, मुझसे याद ही हो गया। तुम ऐसे घूम घूम के खा रहे हो क्या है? तो देखिए साक्षी की जैकेट पहन रखी है, दादी जी ने लिए ये वाली जैकेट, किल मारा किल, मम्मी जी ने घूम घूम के खाओ अपना घर। ये वाला स्वेटर पसंद करके लिया था उन्होंने, साक्षी ने पहन लिया है। तो देखो साक्षी को कैसे खा रही है ये भेलपूरी को, कैसी लगी साक्षी भेलपूरी? टेस्टी टेस्टी। तो आपने तो अभी बनाई थी ना,
तो टूशन से मैंने दिया माता है कभी ना आने का टाइम हो तो कभी तो बताना तो मैं आ गई थी जब डेडी था एकदम भी तो शादी में कितना एंजॉय कर जिस जिसको पतंग अच्छी लगती है वो कमेंट में जरूर बताए बस इसको पतंगे दिख रही है सकरात आ रही है जब तो देखिए अभी हम आए हैं यादावास में बच्चों के लिए बैग लेने के लिए क्योंकि बैग खराब हो गया उनका फट गया बैग अले वाह वीडियो बनाई मेरी लोग आई देखो तो देखिए बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बन रहा है तो आज देखिए और लाइटिंग भी आज तो अच्छी है देखिए और ब्लॉग हो सकता है थोड़ा अच्छा आएगा थोड़े दिन में और कोई इक्विपमेंट वगैरह लेने वाले हैं शूट के लिए तो अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे आपके लिए आप भी देखते रहना जुड़े रहना चैनल के साथ तो आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो भाई तो देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो मैं सॉरी लेके आई हूँ साथ में और उठ के आई हूँ और बस अब लेके जाएंगे देखते हैं कैसा क्या मिलेगा बैग तो चलते हैं और आपको भी दिक्कत है देखिए मेरी लुगाई उतर रही है धीरे धीरे चल रही है छम्मा छम्मा करती हुई देखिए बैग की दुकानें हैं दोनों तरफ लेकिन हम उस वाले की तरफ जाएंगे क्योंकि वो रिपेयर भी करता है और ये रिपेयर नहीं करते एक बैग की दुकान ये है और एक ही है हम इस वाले बैग की दुकान पे जा रहे हैं और आपको भी लेके जा रहे हैं और मैडम जा रही है ये सबसे बढ़िया वाला है बैग सबसे बढ़िया वाला बैग है ये एक तो ये रेड एक ब्लू दो बैग ले लो तो फाइनली डन हो गया है ये दोनों बैग ले रहे हैं साक्षी सोन के चमक दमक हुआ हजार रुपये में इतना सारा सामान आ गया तो चल पड़े हैं बैग लेके और मात्र 1000 रुपये में इतना सारा सामान ले लिया है और जैसा कि विक्रम ने बताया कैमरे को मुंह में मत घुसेड़े करो तो हम दूर से बना रहे हैं कैमरा हाँ ताकि दुनिया देखे सेल्फी स्टिक से और ये धीरे धीरे हम जा रहे हैं गाड़ी के पास में और मैडम जा रही है चमक चमक करती हुई देखिए और ये बैठेगी गाड़ी में और ये बैठ गई तो इसी के साथ चलते हैं अब आगे कहीं पतासी उतासी देखने मिल जाती है तो और मिल ही जाएगी पूरी पूरी उम्मीद है और मैं भी बैठता हूँ गाड़ी में गाड़ी देखिए क्या गंदी हो रही है कितनी गंदी हो रही है और ये बैठ गए छलांग मार के गाड़ी में और देखते ओ वाह खड़े हैं पतासी वाले तो सीधी गाड़ी जाकर पतासी वाले के पास
और ये हम सर सराते और फड़फड़ाते हुए जा रहे हैं पतासी वाले के पास। और जैसा कि मैडम बाहर का कुछ खाती नहीं है, पतासी तो क्या थोड़ा घर का सा फील होती है इसलिए खा लेती है कभी कभार, वो बाहर की फील नहीं होती, बाहर की कोई चीज है। और देखिए फड़फड़ाते हुए जा रहे हैं पतासी वाले के पास, और ये आ गए पतासी वाले और हम भी आ गए पतासी वाले के पास। मतलब आपको चलिए आपको भी ले चलते हैं। और इसी के साथ आ चुके पतासी वाले के पास। प्याज काटते हुए वीडियो नहीं बनी, कचक 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 पहले मेरे को दे दे, पहले मेरे को दे दे, लग हो गया ये देखिए सीधे जाते हैं मुंह में। नहीं पतासी के बाद फ्री की टिकिया है, टिके नहीं पपड़ी। तो इसी के साथ हमने एक सब्सक्राइबर बढ़ा दिया अपना YouTube पे, जो है हमारे पतासी वाले भैया है, और हमेशा हम इनके पास पतासी खाते हैं, बहुत ही अच्छी पतासी देते हैं। वैसे तो और भी कई जगह खाते हैं पर बैठती नहीं है कहीं की भी, बढ़िया यहीं की लगती है, तो अक्सर हम यहीं पर पतासी खाते हैं, थोड़ी खाते हैं लेकिन खाते जरूर है। और चलिए और भी आप ले चलते हैं आपको कहीं से। थोड़ी तो मतलब 10-10 भी तो खाते ही है, इससे ज्यादा तो थोड़ी, इससे ज्यादा खाई भी नहीं जाती है, तो बस इतनी बस खा लेते हैं जब क्योंकि क्योंकि हमारा इतना सा पेट है जिसमें पतासी बहुत ही ज्यादा अच्छी देते हैं, तो इधर से जाते हैं तो हम अपने आप ही रुक जाते हैं, हमारी गाड़ी अपने आप ही रुक जाती है पतासी खाने के लिए, आगे चल ही नहीं पाती। और वैसे भी और चीजें खाने से तो अच्छा सबसे बेस्ट पतासी रहती है, पूछ के पानी पूरी, मतलब पानी पूरी जो भी आप बोलते हो वो ही सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि वो ज्यादा अनहेल्दी भी नहीं होती है और हेल्दी भी नहीं होती है, मतलब ठीक ठाक होती है और कम पैसों में काम भी हो जाता है मतलब। तो इसी के साथ भाषण थोड़ा लंबा चल रहा है, तो इसी भाषण को यहीं समाप्त किया जाए। और कुछ देखिए अब हम जा रहे हैं बुक स्टोर पे बच्चों को लिए रजिस्टर लेने के लिए, क्योंकि उनको रजिस्टर भी चाहिए, वो मंगवा रहे हैं। और ये हमें मिल गई है बुक्स की दुकान, और मैं जाता हूं फटाफट, और मैडम मेरा वीडियो बनाएगी तो देखना दूर से। तो देखिए जब तक वो गए हैं बुक स्टोर पे हम बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो अभी हम शादी में जाके आए थे, वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने, बस उसके बाद में मेरा इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि थोड़ा सा लोग स्टार्ट किया नहीं, फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा चलते रहता है क्योंकि कभी क्या होता रहता है इस वजह से। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब बहुत दिनों तो क्या मतलब शादी के 2-4 दिन बाद में, तो हमारे बच्चों ने देखिए रजिस्टर मंगवाए थे और चौक भी मंगवाए थे, तो हम लेके आ चुके हैं। तो देखिए हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और ये पतासी वाले भैया वापस रास्ते में आएंगे, और ये इस गार्डन के बाहर ही खड़े होते हैं अक्सर। देखिए ये रहे, ये दिखे थोड़े से और ये गए। तो अब चलते हैं बच्चों का रिएक्शन देखते हैं, उनको बैग कैसे लगते हैं, उनके लिए बैग और रजिस्टर लाए हैं पढ़ाई की। तो देखिए मैं देख रही हूँ सभी दुकानें अब बंद हो चुकी है, तो उसी में चलता रहता है, पर दूसरा टोपी कहाँ से चेंज करेंगे, ऐसे तो उसके सीन चेंज करके अगर कुछ ना कुछ कर देंगे। सर लंबा सा लेक्चर कुछ 8-10 मिनट का ही देंगे किसी का। देखिए मैं मैडम को व्लॉग के बारे में थोड़ा समझा रहा था, और मैडम को देखिए अभी तक कैमरा पकड़ने नहीं आता, कभी सिर दिखाती है कभी पूछ भी दिखाती है। ये देखिए, ये देखिए, आप भी देखिए, तो ये सही बनता है व्लॉग।
देखिए ब्लॉक से ऐसे बनता है कि पूरा का पूरा है, तो फिल्म थोड़ी चल रही है। अरे भैया सिर तो दिखना चाहिए, मुंह तो दिखना चाहिए, कभी बाल कभी नाक कभी का काट देते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। बहुत तगड़े ब्लॉगर है ये, देखिए समझाते रहते हैं हमें भी। कहना गाड़ी भी हिल रही है अभी थोड़ा सा, थोड़ी की वजह से ये सब बहाने हैं, हाथ हिल रहा है गाड़ी नहीं हिल रही, तो इस वजह से ही मुझे डर है। तभी हमारी ये पक पक तो ये चलती रहेगी और यूं घर चलते रहेंगे, गाड़ी भी हिलती रहेगी और चलती रहेगी और सर्दी भी लगती रहेगी क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है इसलिए। और ये कांच उतार के गाड़ी चलाने में कुछ अलग ही मजा आता है। बंद करो इसको और देखिए, ओहो मुझे देखिए आ चुके हम घर पे, यूं ही धीरे चलना, लेकिन हम जल्दी चल रहे हैं, मुझे वहीं उतार दिया करना। साक्षी स्कूल तो बंद होने वाली, यार बैग ले रहे हो पागल की तरह, चले जाएगी। तो फाइनली आ गए हैं घर पे और वीडियो को यही एंड करने वाले हैं और आगे क्योंकि खाना वाना खाएंगे, पता सिखाए, पेट थोड़ा खाली रह गया, पेट को भरेंगे, करेंगे वीडियो को यही एंड। तो इसी के साथ रीति रिवाज पूरे कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यही तक का था आज का हमारे वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।